नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कट कॉपी और पेस्ट तो जरूर करते होंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि कट कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किसने किया था। हम बता देते हैं, इसका आविष्कार सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैरी टेस्लर ने किया था। लैरी टेस्लर का 74 की उम्र में निधन हो गया। लैरी टेस्लर ने 1960 में अमेरिका के सिलिकन वैली में कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने अपने काम को सरल बनाने के लिए कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी कमांड का आविष्कार किया था। लैरी टेस्लर ने करियर की शुरुआती दिनों में काफ़ी वक्त जेरोक्स कंपनी में बिताया था। जेरोक्स में रहते हुए लैरी ने कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी कमांड की खोज की थी। लैरी के निधन पर जेरोक्स ने ट्वीट कर उनकी खोज की सराहना करते हुए दुख जताया है। 1945 में लैरी टेस्लर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद लैरी ने कंप्यूटर यूज़ को सरल बनाने वाले सिस्टम इंटरफेस डिज़ाइन में विशेषज्ञता हासिल की थी। अपने लंबे कैरियर में लैरी ने कई टेक फर्म के लिए काम किया था। उन्होंने जेरेक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद स्टीव जॉब्स के बुलावे पर एप्पल ज्वाइन कर लिया था, जहां उन्होंने मुख्य रिसर्चर के तौर पर 17 साल बिताए थे। एप्पल छोड़ने के बाद लैरी ने शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर कुछ काम किया और उसके कुछ दिन बाद अमेज़ॉन और याहू के लिए भी काम किया। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।